नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम एंड गवर्नमेंट जॉब्स न्यूज़ चैनल। दोस्तों, अगर आपके पास भी WhatsApp पे या अन्य किसी तरीके से कोई मैसेज सर्कुलेट हो रहा है कि सावधान हो जाइए, 31 दिसंबर से 2000 रुपये का नोट बंद होने जा रहा है, तो ये खबर आपके लिए, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें हम जानेंगे कि क्या है इस खबर के पीछे की सच्चाई और क्यों ऐसा ये खबर WhatsApp पे या सोशल मीडिया पे घूम रही है। तो आइए जानते हैं डिटेल में बिना किसी देरी के, लेकिन रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने भी ये मैसेज पढ़ा होगा कि 31 दिसंबर 2019 से 2000 रुपये के नोट बंद होने जा रहे हैं। और दरअसल सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हो रहा है जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 31 दिसंबर 2019 से 2000 रुपये का नोट बंद होने जा रहा है। तो अब हम आपको बता दें कि 2000 रुपये का नोट बंद नहीं होने वाला है और ना ही 1000 रुपये का नोट मार्केट में आने वाला है। नए नोट को लेकर कुछ अफवाहें हो रही थी, उसके ऊपर बात करेंगे। एक यूज़र ने ट्विटर पर ट्वीट किया कि 2000 रुपये का नोट 31 दिसंबर 2019 के साथ बंद हो जाएगा, और साथ में एक वेबसाइट का लिंक भी शेयर किया उसने, जो कि न्यूज़ वेबसाइट का लिंक था। तो उसकी सच्चाई जानने के लिए जब ये उस न्यूज़ को पढ़ा गया तो उसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा था कि 2000 रुपये का नोट बंद होने जा रहा है और 1000 रुपये का नोट आने वाला है। जबकि उसमें कुछ इस तरह से लिखा था कि अक्टूबर में प्रकाशित इस खबर में लिखा गया था कि SBI ATM से लोग 2000 रुपये के नोट नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि SBI धीरे धीरे बड़े नोटों को ATM मशीन में डालना बंद करने वाला है और इसकी जगह 500, 100 और 200 रुपये के नोट बढ़ाए जाएंगे। कई गड़बड़ियों को रोकने के लिए 2000 रुपये की नोट की छपाई बंद कर दी गई थी। तो इसी को बड़ा चढ़ा करके और तोड़ मरोड़ करके लोगों ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और ये अफवाह फैला दी है। तो बता दें कि RBI के नोटिफिकेशन सेक्शन से भी ऐसा कुछ पता नहीं चलता है जिससे ये मान सके कि आने वाले समय में 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर नहीं रहेगा, और इसके बंद होने को लेकर के फैलाई जा रही सभी बातें महज अफवाह है। अक्टूबर में एक RTI के जवाब में ये जानकारी ज़रूर सामने आई थी कि RBI ने 2000 रुपये के नोट की छपाई बंद कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने यह कदम कई गड़बड़ियों को होने से रोकने के लिए उठाया था। तो सिर्फ 2000 रुपये के नोट की छपाई बंद हुई है, नोट इलीगल नहीं हुआ है, लीगल टेंडर ही है अभी भी, और ये प्रचलन में रहेगा। सिर्फ SBI ने ऐसा कहा है कि वो अपने ATM से 2000 रुपये के नोट डिस्पैच नहीं करेगा, बल्कि उसकी जगह पे 100, 200 और 500 के नोट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ाएगा ताकि मार्केट में इसको यूज़ करने में सहूलियत रहे और ज़्यादा इसका कुछ जो भी गड़बड़ी है इसलिए इसको पब्लिक के पास ज़्यादा ना जाए। बट अगर आपके पास है और आप इसको ऐसा ना समझे कि ये बंद हो जाएगा, बाद में इसको चेंज नहीं करवा सकते या कोई इसको लेने से मना कर देगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सरासर एक अफवाह थी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।